Yo, what's up guys, welcome back to another brand new gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft. और guys, आज हम लोग Minecraft में बनाने जा रहे हैं एक गोल्ड प्लस एक्सपी फार्म, जो कि है Minecraft 1.20 और 1.19 के लिए. और guys, ये ना हर एक वर्जन में काम करता है. तो गाइस चलिए चलते हैं आज की इस वाली नेक्स्ट लेवल वीडियो की तरफ. सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, हम लोगों को गोल्ड प्लस एक्सपी फार्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए. और उसके बाद हम लोग इसको जल्दी से चेस्ट से निकाल लेते हैं. तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि आप लोगों को एक छोटी सी प्लेन जगह ढूंढनी पड़ेगी उसके लिए. उसके बाद आप लोगों को नीचे एक ब्लॉक लगाना है, कोई सा भी लगा सकते हैं. मैं तो इधर स्टोन ब्रिक ही लगा रहा हूँ. तो उसके बाद आप लोगों को 9 ब्लॉक्स का एक ऑब्सीडियंस लगाने हैं और उसके ऊपर भी 9 ब्लॉक्स के ऑब्सीडियंस लगाने हैं. यानी इधर हमारा एक 9x9 का पोर्टल टोटल बनने वाला है. तो उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर भी कर देना है ऐसा ही. तो चारों तरफ करने के बाद गाइज एक छोटा सा पोर्टल बन जाएगा. यानी छोटा तो नहीं, पर ये गोल्ड प्लस एक्सपी फार्म के लिए बहुत छोटा वाला पोर्टल है. इससे छोटा अगर तुम लोग बनाओगे ना तो इससे छोटा वर्क ही नहीं करेगा. तो गाइज कुछ ऐसा सा पोर्टल बनने के बाद उसके बाद है ना आप लोगों को यहाँ पर फ्लिंट एंड स्टील मार के चेक करना है कि पिगमैन्स हमारे कहाँ पर स्पॉन हो रहे हैं, यानी किस तरफ को. तो अगर आप लोग ये सर्वाइवल में कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑब्सीडियन तोड़ना पड़ेगा. तो तुम लोगों को है ना ये ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस 2-3 बारी में ही स्पॉन हो जाते हैं, पर इसमें थोड़ा बहुत लेट हो रहा था. तो गाइज अभी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इस तरफ को स्पॉन हो चुका है. तो इसके आगे का काम हम लोगों को इसी तरफ को ही करना पड़ेगा. तो उसके लिए ना सबसे पहले तुम लोगों को इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है. तो उसके बाद है ना आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदना है 9 ब्लॉक्स का. यानी एकदम ही ऑब्सीडियन जितने तक है उतना तक ही आप लोगों को खोदना पड़ेगा. तो खोदने के बाद है ना तुम लोगों को इस साइड में एक वाटर बकेट प्लेस करनी है. तुम लोग चाहो तो किसी भी साइड में कर सकते हो. तो उसके बाद है ना आप लोगों को लगाने पड़ेंगे यहाँ पर कोने में 4 ब्लॉक्स ऐसे, और इस तरफ में भी वैसे ही एकदम लगाना है. तो उसके बाद तुम लोगों को लगाने पड़ेंगे इधर ग्लासेस लगाना है ना, कोई कंपलसरी तो नहीं है पर इधर अच्छे लुक के लिए ग्लासेस लगाना पड़ेगा. तो मैं गाइस लगा लेता हूँ इधर ग्लासेस, तुम लोग भी ऐसे ही करके लगा लेना. तो ग्लासेस लगाने के बाद हमारा फार्म कुछ ऐसा दिख रहा है. तो उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर ऊपर स्लैब्स लगाने पड़ेंगे, कोई सा भी स्लैब लगा सकते हो. मैं तो गाइस इधर स्टोन ब्रिक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा बहुत अच्छा लगता है. तो उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट काम. तो नेक्स्ट काम के लिए हम लोगों को है ना यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा. और इधर अभी हम लोग बनाने वाले हैं एक इसको ऑन ऑफ करने के लिए सिस्टम. तो उसके बाद यहाँ पर एक डिस्पेंसर लगा के उसके आगे स्टोन ब्रिक्स लगाने हैं 4 ब्लॉक्स. और ये लगाने के बाद यहाँ पर अभी आने वाला है थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड सीन. तो इधर है ना तुम लोगों को ऑब्जर्वर लगाना है और इसका एरो गाइस एकदम ही आगे की तरफ होना चाहिए. और जब तुम इसके आगे 2 ऑब्जर्वर्स लगाना पड़ेगा जो कि गाइस इधर की साइड में होने वाले हैं. तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ तुम लोगों को भी बिल्कुल ही वैसा करना है. अगर ये नहीं हुआ तो और एक बार देख के कर लेना कि मैं कैसे लगा रहा हूँ. तो उसके बाद इसको चारों तरफ से ढक देना है. तो अभी हम लोगों ने ढक दिया इसका नीचे वाला. तो अभी उसके बाद है ना तुम लोगों को इसका ऊपर वाला भी ढकना है. उससे पहले यहाँ पर 3 ट्रैप डोर्स लगाने हैं जैसे कि मैं लगा रहा हूँ. एकदम ही ऐसे लगाने हैं, नहीं तो अगर तुम लोग उल्टा लगाओगे तब तो भाई काम करेगा ही नहीं बिल्कुल भी. उसके बाद इसको है ना चारों तरफ से ढक देना है. तो इधर से गाइस हर एक तरफ में आप लोगों को एकदम ही 2-2 ब्लॉक्स हाइट का ढकना है. और ये जो ट्रैप डोर के ऊपर भी आप लोगों को यही करना पड़ेगा. तो उसके बाद है ना यहाँ पर डालने वाला था लावा, बट मैं अभी नहीं डाल रहा क्योंकि पोर्टल अगर ऑन ऑफ होगा ना तो इसमें लैग भी करता है. तो उसके बाद आप लोगों को आना है यहाँ पर, और जहाँ पर पानी ख़त्म हो रहा होगा उसी से नीचे एकदम ही 21 ब्लॉक्स नीचे जाना है, या से 21 ब्लॉक्स. और उसके बाद तुम लोगों को अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाना है जिसके अंदर की तुम लोग करने वाले हो ग्राइंडिंग. तो इधर बस एक छोटा सा रूम बना देना. और रूम ख़त्म होने के बाद है ना उसके बाद आ जाता है हमारा एक छोटा सा काम. तुम लोगों को और एक नीचे ब्लॉक डिक करना है और यहाँ पर एक हॉपर लगाना पड़ेगा. इधर गलती से मैंने और एक ब्लॉक खोद दिया था तो मैंने उसको रीफिल कर दिया.
तो हॉपर गाइस देख लो कैसे लगाना है। हॉपर एकदम ही इस वाले स्टोन को फेस करके लगाना है, जैसे कि इसका फेस एकदम ही आगे की तरफ हो। और उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर दोनों चेस्ट लगाने पड़ेंगे और इसके नीचे भी दो दो चेस्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें है ना हम लोगों को बहुत सारे स्वॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो फिर तुम लोगों को इस तरफ में आके नीचे से एक हॉपर लगाना है, और हॉपर लगाने के बाद तुम लोगों को है ना इसको वापस से ढक देना है। और उसके बाद ज़्यादा कुछ काम नहीं है, अभी बहुत कम काम बचा है। तो उसके बाद तुम लोगों को दोनों तरफ में ढकना है, जैसे कि पिगमैन यहाँ से नीचे गिर के एकदम ही स्टक हो सके। तो उसके बाद तुम लोगों को है ना यहाँ पर एक स्टेयर लगानी पड़ेगी एक स्लैब के नीचे। तो इधर से तुम लोग क्राउच करके एकदम ही आसानी से उन लोगों को मार सकते हो। तो उसके बाद तुम लोगों को बनाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए रास्ता। तो इधर से एकदम ही कोने से डिक कर देना और सीढ़ियाँ वगैरह लगा लेना, ये बहुत ईजी होता है, नहीं तो तुम दूसरा वाला भी रास्ता बना सकते हो। तो उसके बाद हमारा फार्म एकदम ही हो चुका है बनके तैयार, अभी बस और दो काम बाकी है। तो उसके लिए अभी हम लोग नेक्स्ट डालने वाले हैं यहाँ पर लावा। तो यहाँ पर हमें एकदम ही सेंटर में लावा डालना पड़ेगा जिससे कि पोर्टल ऑन हो जाए। तो आप लोगों को याद से यहाँ पर एक वाटर बकेट डालनी है, और वाटर बकेट डालने के बाद यहाँ पर क्राउच करके एक लीवर लगानी पड़ेगी। तो और एक चीज़ याद रखना, इधर जो ऊपर जहाँ पर लावा है ना उधर आप लोगों को ढकना नहीं है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो अभी तुम लोग देख ही सकते हो ये कितना ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, एक मैं सिनेमैटिक शॉट भी दिखा देता हूँ भाई, बहुत बढ़िया काम करता है ये। इधर से पोर्टल ऑन ऑफ होता रहता है और इधर से पिगमेंट्स नीचे गिरते रहते हैं। और उसके बाद है ना अगर तुम लोग चाहो तो इसको यहाँ से आके बस ये लीवर फ्लिप करना है और ये बंद भी हो जाएगा। तो उसके बाद है ना यहाँ से तुम इसको दोबारा से चालू भी कर सकते हो, क्योंकि ये ना लैग करता है थोड़ा बहुत, तो इसको ज़्यादा चालू मत करना, नहीं तो अगर आप लोगों का कम रैम वाला फ़ोन है तब वो क्रैश कर जाएगा। तो अभी है ना हम लोग पिगमैंस को मार के टेस्ट कर लेते हैं कि कितनी एक्सपी मिलती है। उससे पहले तुम लोगों को यहाँ से उनकी ही स्वॉर्ड निकाल के भाई उनको ही मारना, मैं बोल रहा हूँ, इससे स्वॉर्ड की बर्बादी नहीं होगी। तो इधर है ना इसके बाद मैं आधा एक घंटा AFK करने वाला हूँ, तो अभी तो मैं आप लोगों को बस इतना सा मार के दिखा रहा हूँ। तो इनकी स्वॉर्ड है ना बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद आप लोगों को और भी स्वॉर्ड इधर से निकालनी पड़ेगी, तो फिर आप लोग इनको मार सकते हो बहुत ईजीली। तो अभी मैं करने वाला हूँ AFK। तो अभी है ना मैंने लगभग 50 से एक घंटा AFK कर लिया है, और आप लोग सामान देख ही सकते हो, और भी मुझे बहुत सारा सामान मिला था जो कि मैंने दूसरे वाले चेस्ट में रख दिया था। तो ये वाली वीडियो बनाने के लिए है ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि इस वाली वीडियो को मैंने लगभग 4 बार रिकॉर्ड किया है, 2-3 बार तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए रिकॉर्ड हुआ था सब कुछ, पर वो पता नहीं उसका फाइल ओपन क्यों नहीं हो रहा था। तो फिर जाके ये गाइस 4th बार मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो गाइस जो जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आज की इस वाली गोल्ड प्लस XP फार्म वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो किस वाले फार्म के ऊपर बनाऊँ मुझे जल्दी से कैश कमेंट कर देना, तो आप लोगों का कमेंट पढ़ के ही मैं नेक्स्ट वाला फार्म बनाने वाला हूँ। इसके लिए गाइस लेट क्यों हुआ वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को गाइस एक लाइक कर देना। इस वाली वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 10 घंटे का टाइम लगा है। तो ठीक है गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।